A student this is the chapter 7th of civics the name is the understanding advertising in this chapter we discuss about the impact of advertising as well as we discuss about the means of advertising and the types of advertisement then first we discuss about the what means advertisement means you know that student इन डिफरेंट टाइप ऑफ साइन बोर्ड इन डिफरेंट इन मैगजीन न्यूज पेपर एज वेल एज द इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टी वी रेडियो इंटरनेट वी गेट द डिफरेंट एड बाय द कंपनीज यानी कंपनी जो होती है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए उसको अट्रैक्ट करती है लोगों को जिसको कि हम एड ad या एडवरटाइजमेंट कहते हैं इम्पॉर्टेंट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट में हम लोग देखेंगे फर्स्ट फॉर द सेलर देर आर द फर्स्ट इफ एनी कंपनी वन टू लाच ए न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट एडवर्टाइजिंग विल द हेड द एस्टैब्लिश द प्रोडक्ट यानी देखा जाए तो कोई कंपनी जब कोई सामान बनाती है कोई प्रोडक्ट नया बनाती है उसको मार्केट में उसको बेचना होता है लॉन्च करना होता है तो लोगों को कैसे बताएगी तो एडवर्टाइजमेंट ही हेल्प करता है लोगों को उस तक पहुँचने में यानि लोगों को उसके नॉलेज देने में नेक्स्ट इज द एडवर्टाइजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर यदि हम लोग कस्टमर की बात करते हैं तो एडवाइस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कस्टमर लाइफ कस्टमर प्रोडक्ट ओनली आफ्टर दे आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट इफ द प्रोडक्ट नॉट एडवर्टाइज द कस्टमर विल नॉट कम टू नो अबाउट द प्रोडक्ट अवेलेबल एंड दे आर फॉर वी नो द इन प्रोडक्ट्स इवेन इफ द प्रोडक्ट वाज यूजफुल टू देम यानी देखा जाए तो कस्टमर के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कस्टमर एट के थ्रू ही उसको मालूम चलता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और कौन उसके लिए अच्छा है तभी उसको जाके वो खरीदता है नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी ऑल्सो एडवर्टाइजिंग दिल्थ द इन डूकेट पीपुल देसो द एडवर्टा डील द लाइक चाइल्ड लेबर सोशल इशू एडवर्टाइजिंग डील विद द लाइक चाइल्ड लेबर इल इफेक्ट स्मोकिंग लीकर कंज्शन फीमेल इन्फेटिसाइड्स एंड पॉपुलेशन पॉल्यूशन एंटी मलेरिया कैंपेन ए टी सी यानी देखेंगे तो ये सोशल एडवर्टाइजिंग भी होता है जिसके थ्रू सोशल इशू को बारे में लोगों को एक तरह से अवेयर किया जाता है उनको जागरूक किया जाता है नेक्स्ट टॉपिक ऑफ़ द मीन्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट देन स्टूडेंट इन दिस टॉपिक डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मीडियम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट देखा जाए तो फर्स्ट इज द डोर टू डोर एडवर्टाइजमेंट यानी देखेंगे एड की यदि हम लोग बात करते हैं तो एक डोर टू डोर कैंपेनिंग भी होता है जैसे एक पर्सन जो होता है डोर टू डोर लोगों को तक कॉन्टेक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं नेक्स्ट था बिल बोर्ड जैसे कि इस पिक्चर में भी दे रहा है कि हाईवे है एक रोड है उसके साइड में ऐसे बोर्ड बना हुआ है आप लोग तो सिटी में भी हम लोग तो जनरली देखते हैं इस टाइप के बिल बोर्ड जैसे दे रहे हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड ऑफ द वेरियस साइड सेफ आर द डिस्प्ले इन मार्केट एरिया बस स्टैंड अलॉन्ग रोड बिहाइंड द रोड साइड इज ऑल्सो कॉल्ड द बिल बोर्ड ये भी एक टाइप ऑफ द एडवर्टाइजमेंट Very common method is the poster also. You know that the dip, by the different poster just like in the newspaper and magazines we and the market roads crossing as well as the walls, we also found the different type of the companies ad. एंड जिसको कि एक तरह से कॉमन हम लोग कह सकते हैं यानी हम लोग ये देखते हैं कि न्यूज़पेपर मैगजीन बहुत सारे ऐसे जगहों पर जहाँ करके पोस्टर के थ्रू भी ऐड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नाउ ए टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिकॉज वी नो दैट द इज द टाइम ऑफ द इंटरनेट मीडियम ऑल्सो सो टी वी रेडियो इंटरनेट इज द बेस्ट वे ऑफ टू द एड देयर डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय द कंपनी लास्ट मीडियम हम लोग देख सकते हैं डिस्प्ले द कंपनी ऑल्सो प्रमोट देअर प्रोडक्ट द एट्रेक्टिव डिस्प्ले इन ट्रेड फेयर मॉल शॉपिंग एरिया क्लोज टू पार्क यानि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है जिसमें कि हम लोग तो लाइव टी वी स्क्रीन की तरह इस तरीके से जो उनके ऐड होते हैं वो प्ले होते हैं और ये एक मॉडर्न वे ऑफ द एडवर्टाइजिंग है नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ द एडवर्टाइजमेंट यानी देखेंगे डिफरेंट टाइप हम लोग देखते हैं फर्स्ट इज द पॉलिटिकल पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट या पॉलिटिकल एड को हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली इलेक्शन टाइम में अपने कैंपेनिंग करती है जैसे कि आप लोग जैसे कि इंडिया की बात करते हैं तो जो इलेक्शन होता है तो इसमें जो भी पोलिटिकल पार्टी होते हैं अपने मैनिफेस्टो को अपने लीडर्स को प्रमोट करते हैं थ्रू द एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट इज द इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट मतलब देखा जाए कम, जो कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट जब कोई टेंडर निकालती है या टेंडर इशू करती है तो या डिपार्टमेंट के थ्रू या टैक्स से रिलेटेड कोई बात लोगों को बतानी होती है तो इस तरीके से वो इन्फॉर्म करती है थ्रू द मीडिया सोशल आल्सो इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो एडवर्इजमेंट मीट द पर्पज ऑफ द ड्राॅइंग टूवर्ड सोशल इशू एज ग्रुप ए सोशल एडवाइजमेंट सेव टाइगर सेव द इन्वायरमेंट पल्स पोलियो कैंपेनिंग इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द सोशल एडवाइजमेंट यानी कहने का मतलब हम लोग देखते हैं कि पल्स पोलियो प्रोग्राम हो या स्वच्छ भारत अभियान हो या इस तरीके से कोरोना वायरस के टाइम भी हम लोग देखते जो सोशल से रिलेटेड जो एड आते हैं उसको हम लोग सोशल एडवाइसमेंट कहते हैं कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो न्यू दैट द डिफरेंट कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है उसको कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कहते हैं जैसे टॉयज है हाउसेज है चॉकलेट्स है एंड ऑदरस टाइप ऑफ द एड स्टूडेंट इन दिस चैप्टर भी डिस्कस अबाउट द मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट टाइप ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एज वेल एज दी डिस्कस अबाउट द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट देन नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सरसाइज द कॉम्प्लीट एक्सरसाइज एंड सबमिट ऑन टाइम देन थैंक यू